एक समय था जब भारत अपने रक्षा उपकरणों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। अधिकांश हथियार भारत को आयात करने पड़ते थे, लेकिन अब ये स्थिति बदल चुकी है, तस्वीर बदल चुकी है। देश में बने हथियारों की सप्लाई अब वैश्विक स्तर के बड़े निर्यातकों को भी की जा रही है। इस सूची में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों के नाम शामिल हैं। हाल ही में SIPRI ने हथियारों के वैश्विक निर्यात से जुड़े आंकड़ों को जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि 2015 से भारत द्वारा हथियारों के आयात में 32% की भारी गिरावट आई है। साथ ही पहली बार भारत वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है। भारत ने हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक की सूची में 23वां स्थान हासिल कर लिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया से आगे मेक फॉर वर्ल्ड की नीति पर चलते हुए केंद्र सरकार ने साल 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी तय किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2019 तक भारत के रक्षा निर्यात में 700% की वृद्धि दर्ज की गई। 2016 से 17 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ रुपए था, जो 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए पहुंच गया। भारत अभी कुल 42 देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है, जिसमें कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान शामिल है। भारत के सबसे बड़े हथियार ग्राहक के रूप में म्यांमार 46%, श्रीलंका 25% और मॉरिशस 14% है। पूरी दुनिया में हथियार निर्यात में इस समय भारत की हिस्सेदारी 0.2% है। भारत का लक्ष्य 5 साल के भीतर अपने डिफेंस निर्यात को बढ़ाकर $5 अरब करने का है। SIPRI डेटा के मुताबिक है, पाकिस्तान अपने हथियार सिस्टम के लिए पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। 2015 से पाकिस्तान अपने 73% हथियारों का आयात चीन से करता है। वहीं अगर बात भारत को सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले देश की करें, तो रूस भारत को 56% हथियारों को निर्यात करता है। रूस के बाद 14% के साथ इजराइल और 12% के साथ फ्रांस भारत को सबसे अधिक हथियार बेच रहे हैं। रक्षा उत्पादों के वैश्विक निर्यात और केंद्र सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को 74% करने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत रक्षा क्षेत्र में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा।